जबलपुर में ताइक्वांडो के खिलाड़ी विवेक सिंह की पत्नी ने गढ़ा थाना पहुंचकर पति सास ससुर पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पीड़ित बहू अर्चना सिंह ने बताया कि उनके पति विवेक सिंह ताइक्वांडो संघ में सचिव है, साथ ही उनका एक कैफे भी चलता है। बुरी आदतों के चलते उन पर काफी खर्च हो गया था, जिसको चुकाने के लिए वह अपनी पत्नी से मायके वालों से दहेज मंगवाने को लेकर लगातार दबाव बना रहा था, जिसमें उसके माता पिता भी सहयोग कर रहे थे। वहीं विगत दो दिन पहले उसके साथ मारपीट भी की गई। महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि पति विवेक द्वारा की जा रही मारपीट में उसके साथ ससुर ने भी भरपूर सहयोग किया। इसके बाद वह गढ़ा थाने पहुंची, लेकिन गढ़ा पुलिस मामले को लेकर गंभीर नहीं थी। इसके बाद महिला ने एसपी हेल्पलाइन में मदद मांगी और एसपी हेल्पलाइन द्वारा महिला को सुरक्षा मुहैया कराते हुए उसके अनुसार मामला गढ़ा थाने दर्ज किया गया। वहीं अर्चना को उसके माता पिता के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। गायब थे, जिसके चलते कर्जदारों का फोन और ऊटपटांग गंदी गालियों वाले मैसेजेस मुझे आ रहे थे, तो मैंने मेरे हस्बैंड से बात की। उन्होंने जब उनसे बात की तो उनका कहना था तुम उसका जो कर्जदार मांग रहे हैं वो कर्ज तुम अपने मायके से ला कर दो, क्योंकि वैसे भी तुम शादी में कुछ नहीं लाई थी तो तुम इतना मेरी मदद करोगी। तो इसका विरोध करने के चक्कर में मुझे मेरी सास ससुर और पति ने मारा था, जिसके चलते मैं यहाँ थाने आई थी। उस दिन ये हुआ था कि थाने में मेरी रिपोर्ट हो नहीं रही थी, तो फिर आधी रात को 1 बजे जब मैं अपने घर से सामान निकालने गई अपने ससुराल से कि मुझे मेरा सामान लेकर अपनी माँ के घर जाना है, तब भी पुलिस मेरे साथ कोई कांस्टेबल नहीं चला था, जिसके चलते मैंने एसपी सर को फोन हेल्पलाइन पर फ़ोन करके हेल्प ली थी। और फिर उसके बाद मेरा मामला यहाँ पर कायम हुआ रात को 1 बजे, और यहाँ पर उस दिन मैं आई थी शाम को करीब 7-7.30 बजे। उसके बाद मेरा मामला तब भी रात को 1 बजे यहाँ पर कायम हुआ। क्या नाम है आपके पति का? विवेक सिंह। क्या करते हैं वो? उनका एक कैफे चलता है यहाँ पर गोरखपुर में, और वो ताइक्वांडो में सेक्रेटरी भी हैं, और उन्होंने कई लोगों से पैसा लिया, जिसके चलते बस ये था कि मेरा कहना ये था जिसके भी जो कर्ज हैं वो चुकाना उनको पड़ेगा। पर उनका कहना था कि नहीं, आपने शादी में कोई दहेज भी हमने उस टाइम पर आपने कुछ नहीं दिया। आपको मारा पीटी है क्या? जी हाँ, मेरा गला दबाने की कोशिश की थी, मुलायजे में नाखून वगैरह के निशान, गाल सूजा हुआ था उस वक्त मेरा, तो ये सब मुलायजे में आया हुआ। उनके परिवार वालों ने इस तरह से कोई सपोर्ट नहीं किया आपका? जी नहीं, उनके परिवार में मम्मी पापा और बहन ही है, तो मम्मी पापा भी साथ में ही थे उस दिन। तीनों, कोई मेरा हाथ पकड़ा था, कोई मेरा गला पकड़ा था, विवेक मुझे चांटे लगा रहे थे, तो उस दिन ऐसा हुआ। आप क्या चाहते हैं? कितने लोगों ने आपके साथ मारपीट की है? तीन लोगों ने। क्या क्या नाम है उनका? हरगोविंद सिंह, मेरी सास है शीला ठाकुर, और मेरे हस्बैंड विवेक सिंह ठाकुर। आपका नाम बताओ। थाने वाले क्या बोले आपको? थाने वालों ने मेरी रिपोर्ट तो लिखी, उस दिन रात में FIR दर्ज हुई है, पर उसके बाद फिर मेरे से कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगाए थे कि हम फोन करके आपको आपके डॉक्यूमेंट्स मंगाएंगे और आपके बयान नोट होंगे, जिसके लिए आज एक हफ्ता हो रहा है कंप्लीट, इसके लिए मुझे अब तक कोई मैसेज या फोन नहीं है। पुलिस के कार्य से आप संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल भी। क्या विवेक सिंह का कोई पहुंच के ऊपर तक इस तरह ऐसा कुछ है? क्या कहना है कि हाँ उनकी पहुंच है कहीं भोपाल में, हमेशा मुझे बताते रहते थे कि मेरी पहचान है भोपाल में, मैं वहाँ से एक फ़ोन लगा के काम करवा लूँगा। तो मुझे ऐसा शक है कि उनके कहने पे या कुछ, मैं इस पर श्योर नहीं हूँ, पर हाँ मुझे लग रहा है कि इन सारी चीज़ों की वजह से भी हो सकता है कि मेरे काम में डिले होगा। विदेशों में मतलब ताइक्वांडो का खेल खिलाने के नाम पे झांसा देके खिलाड़ियों के साथ ऐसा किया है? हुआ, अभी पिछली बार जयपुर में भी इनके नाम पे इस बारे में एक रिपोर्ट हुई थी, जिसके चलते वहाँ पर समझौता कर आए थे, उनको पैसे लौटाने थे, कई बच्चों के पैसे लिए थे कि उनको लेकर जाएंगे खिलाने, पर उन्होंने खिलाया भी नहीं, ना लेकर गए, बच्चों की टिकट के पैसे भी नहीं लौटाए थे, और मेरे ऊपर भी दबाव बनाकर उन्होंने कम से कम मेरे नाम से डिजिटल लोन उठाया। कि उसका पति जो है उसको जब से शादी हुई तब से मार्केट परेशान करता है, और उसके नाम पर लोन वगैरह लेकर कहीं दूसरी जगह उपयोग करना चाहता है। इसके बाद में ये भी बताया कि वो उस महिला का पति जो है उसकी 2-3 दिन पहले घूमने की थाना में रिपोर्ट भी दर्ज थी, तब जाकर पुलिस ने उसके घर से उसके पति को लेके आए, और महिला जो है वहाँ नहीं रहना चाहती थी उसके घर में, अर्चना सिंह नायर जो है रहना नहीं चाहती थी, तो वो अपनी माँ और बहन और कुछ लोगों के परिवार के लोगों के साथ आए, और रात में उनका जो है पूरा सामान जो भी वो ले जाना चाहती थी पूरा सामान निकलवा के पुलिस वहीं खड़ी रही, और उन्हें अपने घर में उनको बुलाया गया था कि जो भी बैंक के उसके नाम। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।